भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर, इस मुंबई की रफ्तार उसकी सड़कें हैं। दोस्तों मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर न रात को सोती है न दिन को सोती है, न यहाँ रात होता है न यहाँ दिन होता है, 24 घंटा काम चलता है। यही कारण है कि मुंबई भारत के सभी राज्यों में सभी शहरों से सबसे ऊपर है, सबसे पैसा वाला, सबसे अमीर राज्य है, सबसे अमीर शहर है। मुंबई का नाम दुनिया के बड़े बड़े शहरों में गिना जाता है। बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवी में भी मुंबई की चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई कितना पॉपुलेटेड है, कितनी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है? 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई की जनसंख्या 12 मिलियन के पार है। 1 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जी गाइस, इतनी जनसंख्या भारत के किसी शहर की नहीं है। सबको मुंबई जाना है, सबका सपना मुंबई है। लेकिन भाई मुंबई तो एक ही है ना। यही कारण है कि मुंबई के बाद नवी मुंबई को बनाया गया, यानी मुंबई 2, और अब नवी मुंबई के बाद मुंबई 3 को बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरी मुंबई के बारे में जानेंगे, कैसा होगा तीसरा मुंबई को कहां पर बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है, कब तक बन करके तैयार होगा तीसरा मुंबई, क्यों खास होने वाला है तीसरा मुंबई। आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से मुंबई 3 के बारे में। दोस्तों तीसरी मुंबई का नाम है नैना। जानते हो आप नैना को? नैना तलवार? नहीं, ये नैना नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना सिटी, जिसे कि थर्ड मुंबई कहा जा रहा है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बाद अब एक और मुंबई को बनाया जा रहा है, जिसका नाम है नैना सिटी। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है और उसकी जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, हर साल, वो भी तेजी से। कि मुंबई इतनी जनसंख्या के लोड को सह पाएगा, ये कारण है कि नवी मुंबई को बनाया गया, लेकिन वो भी भर चुका है। उसको बनाने के बाद भी मुंबई का लोड बढ़ते जा रहा है, इसे ही देखते हुए नैना को बनाया जा रहा है। और ये जो थर्ड मुंबई होगा, इसका एरिया काफी बड़ा है। नैना इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये शहर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों ओर 25 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ है। ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्ट सिटी भी होने वाला है। इस वाले प्रोजेक्ट को सिडको के द्वारा बनाया जा रहा है। ये वही अथॉरिटी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट सिटी नवी मुंबई को बनाया है। महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग UDD ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के उद्घाटन के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए 2 अधिसूचना जारी की। इसमें चिरले छोर के पास तीसरी मुंबई विकसित करना शामिल था। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें MTHL के आसपास के क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को विकास उद्देश्य के लिए MMRDA के नेतृत्व वाले न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी NTDA को सौंपना शामिल है। फिलहाल के लिए 323 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तीसरी मुंबई का काम स्टार्ट कर दिया गया है। MMRDA ने 28 अगस्त 2023 को MTHL के प्रभाव क्षेत्र के लिए NTDA की नियुक्ति का अनुरोध किया था। अधिसूचना में कहा गया था कि इनमें से 80 गांव नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र से, 33 गांव खोपता न्यू टाउन अधिसूचित क्षेत्र से, 2 गांव मुंबई महानगरीय क्षेत्र योजना से और 9 गांव रायगढ़ क्षेत्रीय योजना से लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, सिडको इसको बनाने का काम करेगी। अभी ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि सिडको को हटा करके MMRDA को इस काम को सौंप दिया जाए, क्योंकि नवी मुंबई का प्लानिंग 2014 के पहले से ही चल रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ इसमें नहीं हो पाया है। लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। और नए अपडेट के अकॉर्डिंग यह नया शहर उलवे, पैन, पनवेल, उरन, क्रजत और मुंबई महानगरी क्षेत्र MMR तथा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास बसा होगा। योजना के अकॉर्डिंग तीसरा मुंबई पूर्ण विकसित शहर होगा, जिसमें डेटा सेंटर, वाणिज्यिक परिसर, MNC हब, बैंक, वित्तीय संस्थान, लग्जरी और किफायती घर तथा व्यापक ज्ञान पार्क शामिल होंगे। खारघर में दूसरे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। BKC लगभग 150 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा और यह भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने वाला एक समर्पित वाणिज्यिक क्षेत्र बन जाएगा। तीसरी मुंबई को नवी मुंबई और मुंबई से जुड़ने के लिए एक रिंग रोड को भी विकसित किया जाएगा। तीसरी रिंग रोड मुंबई और नवी मुंबई के बीच है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो नोएडा के जेवर में बन रहा है, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट नवी मुंबई में बन रहा है, जिसे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। और इसी एयरपोर्ट के 25 किलोमीटर के राउंड में तीसरी मुंबई को बसाया जा रहा है। थर्ड मुंबई एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य एक गतिशील शहरी वातावरण बनाने के लिए अभिनव रणनीतिक योजना को और कनेक्टिविटी का उपयोग करना है। महाराष्ट्र राज्य ने अभी हाल ही में एक परियोजना पर काम करना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की बढ़ती आबादी को संतुलित करना है और शहरी विकास के लिए नए मानक स्थापित करना है। थर्ड मुंबई का निर्माण आधुनिक शहरीकरण का एक उदाहरण बनने का वादा करता है, जो इसके डिजाइन और विकास में समावेशिता, नवचार और स्थिरता के मिश्रण को दर्शाता है। तीसरी मुंबई की परिकल्पना न केवल शहर की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करती है, बल्कि शहरी जीवन को भी बदल देती है। नैना सिटी को एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो सिटी और एयरपोर्ट पोर्ट से भी कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि नैना रीजन में बिजनेस इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। चूंकि नवी मुंबई और JNPT पोर्ट तीसरी मुंबई के काफी करीब है, जिसके वजह से इसे बिजनेस के लिए डेवलप करना काफी आसान हो जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या मल्टी मॉडल
कॉरिडोर हो, ये सभी नैना सिटी के करीब है। आपको बता दो गाइस कि नैना एक ग्रीनफील्ड सिटी होगा, यानी कि इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है। आने वाले टाइम को देखते हुए सभी चीजों पर खास ध्यान रख कर इसे बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले प्रॉब्लम में यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के बाद भी दिक्कत ना हो। चूंकि ये एक प्लान किया हुआ सिटी है, अपने से नहीं बसा है, इसे बसाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हर कुछ पहले से निर्धारित है। जिस तरह से आप अपना एक नया घर बनाते हो तो सब कुछ प्लान करके बनाते हो, ठीक वैसे ही इस शहर को एक प्लान के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा, अलग अलग बिजनेस सेंटर को बनाया जाएगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आईटी पार्क को भी डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अब MTHL प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो गया है। तो इस वाले ब्रिज की वजह से मुंबई में रहने वाले लोग, सबरी में रहने वाले लोग आसानी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि नैना सिटी में आ सकते हैं। इसके अलावा गाइस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी नैना रीजन से ही होकर के गुजरेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सब क्रॉस होने वाले हैं नैना सिटी से। इन सारे चीजों की वजह से यहाँ पर बेहतरीन मल्टी मॉडल फैसिलिटी बिल्डअप होंगे। तो देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से ये शहर काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये मुंबई को और आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि मुंबई सबसे अमीर शहर है, सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई देता है, जिसके टैक्स की वजह से देश के और हिस्सों में विकास किया जाता है। तो इस शहर के बनने से पूरे देश को फायदा होगा, पूरे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा, नए नए बिजनेस सेटअप होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, कब तक पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा थर्ड मुंबई? जिस तरह से आज मुंबई का साम्राज्य फैला हुआ है, क्या तीसरा मुंबई मुंबई की तरह अपने साम्राज्य को फैलाने में सक्षम होगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।